नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी कर देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। मुख्यमंत्री ने कहा, पर्यावरण को संरक्षित करने में मिलेगी बड़ी मदद। प्रमुख धामों मंदिरों के नामों का उपयोग करने पर कठोर विधिक प्राविधान के कैबिनेट के निर्णय का स्वागत। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने किया हमारी विरासतें विभूतियां पुस्तक का विमोचन। पुस्तक के जरिए छात्रों को राज्य आंदोलन और अमर शहीदों के बलिदान से किया जाएगा परिचित। और देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस का बड़ा प्रयोग। 21 स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन। अभिभावकों से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जीईपी सूचकांक जारी कर रहा है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष उत्तराखंड में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से इकोनॉमी के साथ ही इकोलॉजी का संतुलन बेहतर बनेगा। इस सूचकांक से पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीईपी सूचकांक के जरिए सरकार के पर्यावरण संरक्षण के प्रति किए जा रहे कार्यों की जानकारी मिलेगी। साथ ही भविष्य में सरकार जीईपी सूचकांक के आधार पर योजनाएं तैयार करेगी। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। और ये हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, वायु है और भूमि है, ऐसे सभी हमारे जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम, पर्यावरण को मेंटेन करने का काम करते हैं, उन सभी का सूचकांक जारी हुआ है, इंडेक्स जारी हुआ है कि हम जिस प्रकार से आज विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं, ज्ञान विज्ञान तेजी से आगे बढ़ा है, उसमें हमारा जैसा राज्य जो पूरे दुनिया को और देश को पर्यावरण के क्षेत्र में एक दिशा देने का काम करता है, वो काम भी हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के माध्यम से सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र अब राज्य आंदोलन के साथ ही अमर शहीदों के बलिदान की गाथा से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसे कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान विषय की सहायक पुस्तिका के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तक राज्य की युवा पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक लोक विरासत, लोक गीत, लोक नृत्य के साथ ही संस्कृति के विविध आयामों से परिचित कराने में मददगार होने के साथ ही महान विभूतियों की जीवनी से भी परिचित कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी लोक संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा इसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर मौजूद महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने बताया कि बाल साहित्य के रूप में छात्रों के हित में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक से युवा पीढ़ी राज्य की धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत से भी परिचित हो सकेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र राजे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। दरअसल धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के प्रमुख धामों मंदिरों के नामों का उपयोग करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया है, जिसका बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने स्वागत किया है। समिति के अध्यक्ष अजय का कहना है कि समिति के पास पूर्व में कई ऐसी शिकायतें आई हैं जिसमें धामों के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर चंदा एकत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से अब ऐसी घटनाओं पर भी रोक लगेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से गंभीरता समझी इस मुद्दे की और तात्कालिक महत्व का समझते हुए इसको तत्काल कैबिनेट में लाए हैं और उस पर कैबिनेट में इसके लिए विधिक परीक्षण कराने का उन्होंने निर्णय लिया है। और जैसा कि हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि हमारे पास पूर्व पहले भी इस प्रकार की कई शिकायतें आती रही हैं कि जो धामों के नाम
फोटो इत्यादि, वीडियो इत्यादि व्यावसायिक उपयोग के लिए या संस्था ट्रस्ट बना करके चंदा एकत्र करने के लिए कई प्रकार से कुछ लोग निरंतर संलिप्त रहते हैं इस प्रकार की गतिविधियों में, तो उन पर किस प्रकार से हम अंकुश लगा सकें इसके लिए हम विधिक परीक्षण पूर्व से ही करा रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कैबिनेट में इसमें प्रस्ताव पारित कर दिया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजकीय मेडिकल कॉलेज बेस चिकित्सालय श्रीनगर में जन चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्थापित की गई कार्डियक कैथ लैब का लोकार्पण किया। 6,35,00,000 की लागत से बने कार्डियक कैथ लैब के शुरू होने से हृदयघात के रोगियों को उपचार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कार्डियक कैथ लैब के लोकार्पण समारोह में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। समारोह में राज्यपाल ने मेडिकल कॉलेज की पत्रिका उमंग का लोकार्पण किया तथा हरेला पर्व के तहत मेडिकल कॉलेज परिसर में रुद्राक्ष का पौधा रोपा। आज से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है कि पौड़ी श्रीनगर के अंदर में मेडिकल कॉलेज के अंदर में कैथ लैब का इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा कदम है और कार्डियक केयर के अंदर में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे जो हमारे फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासतौर पर जो पौड़ी के आसपास वाले जो 20,00,000 लोगों को ये बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जितने भी चार धाम में जाते हैं उनको भी कार्डियक केयर के लिए एक अलग ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे इस इलाके का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक बहुत बड़ा पड़ाव हुआ है। वहीं चिकित्सा शिक्षा निदेशक आशुतोष सयाना ने कहा कि इस बेस अस्पताल में कार्डियक कैथ लैब स्थापित होने से हृदय संबंधी रोगों के मरीजों को बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी। आजकल जो है जीवन शैली से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, उसमें से हृदय रोग संबंधी बीमारियां, ये इसमें बढ़ोतरी हुई है। हृदय रोग से संबंधित आमतौर पर जो है हम लोग सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया है, हृदय की कोई बीमारियां हो गई हैं, तो ऐसी बीमारियों का जो है पता लगाने के लिए कि हार्ट की संबंधी जो है बीमारियाँ किस तरीके से जो है नसों में जो है सिकुड़न है, किस नसों में जो है ब्लॉकेज है, इस चीज का पता लगाया जाता है इस कार्डियक कैथ लैब में। और दूसरा, अगर पता चल गया और इसमें जो है कौन सा उपचार करना होगा और उनको धमनियों में जो है जो ब्लॉकेज है वो कैसे खोला जाना है, तो इसका भी जो है इस पे उपचार हो जाता है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। Beautiful designs take time, लेकिन KYC update मिनटों में। KYC update अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। Registered email, registered mobile number, online banking से। आधार, OTP based eKYC से या फिर video KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के सर्किट हाउस में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने जिले के सभी अधिकारियों से उनके विभाग की कार्य प्रगति की जानकारी ली। वहीं उन्होंने मानसून के दौरान व्यवस्थाओं, लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने और आसमानी आफत से हुए नुकसान के आकलन को लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। आपदा में भी सरकार ने प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर जो काम किए हैं, जो व्यवस्थाएं की हैं वो बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, उससे काफ़ी राहत हमको मिल रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में जहां आपदा के समय में संपर्क कट जाता है वहां पूरे खाद्य पदार्थों की व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है। एडवांस में 3-4 महीने का खाद्यान्न हम वहाँ पर रख देते हैं। कमिश्नर कुमाऊं मंडल दीपक रावत ने अपने एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान किच्छा में निर्माणाधीन एम्स और रुद्रपुर किच्छा बाईपास का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। कुल 494 करोड़ की लागत से किच्छा में बन रहे एम्स सैटेलाइट सेंटर की सिविल निर्माण लागत 351 करोड़ है। एम्स सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण करते हुए मंडलायुक्त दीपक रावत ने कार्यदायी संस्था के कार्य पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। श्री रावत ने बताया कि 280 बेड के एम्स सैटेलाइट सेंटर का कार्य काफी तीव्र गति
गति से चल रहा है और लगभग 5% कार्य पूर्ण हो चुका है। पहले तो ये एम्स का सैटेलाइट सेंटर जिसका निर्माण चल रहा है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग करें और एजेंसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई ऐसे मसले हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दूर करने हैं, उनको देखा जाए। तो यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है, 5% की आपकी फिजिकल प्रोग्रेस हो गई है, बाउंड्री वॉल पे काम चल रहा है, बाकी आप पाइलिंग कर रहे हैं। उसके बाद मेन अस्पताल का काम यहाँ पे होगा जो 280 बेड का बनेगा। इसमें फिलहाल कोई अड़चन आपको नहीं है, थोड़ा बहुत ड्रेनेज के इश्यूज़ आपको हैं जो मैंने निर्देश दिए हैं कि PWD इसको यहाँ पे सॉल्व करेगी। और आप लोग का कहना है, जो एजेंसी यहाँ पे CPWD इसको करेगी, आपका कहना है कि इनका प्रयास होगा कि अगले साल अक्टूबर तक इसको प्रोजेक्ट को ये पूरा करें। वहीं निर्माणाधीन एम्स के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PK राहुल ने बताया कि प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा अगले वर्ष जून तक है, लेकिन वह इससे पहले कार्य को पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह 280 बेड का अस्पताल जिसमें 10 मॉड्यूलर OT भी शामिल हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वास्ते 351 करोड़ है सिविल कंस्ट्रक्शन का, एंड अदर इक्विपमेंट की दोनों मिलकर 494 करोड़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वास्ते। 280 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें सारा फैसिलिटीज है, 10 मॉड्यूलर OT से, सुपर स्पेशलिटी 26 है। इवन हम एम्स ऋषिकेश प्लान कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैडम का विषय की इधर जल्दी भी OPD शुरू करेंगे बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल। एंड हमारा जो प्रोजेक्ट टाइम लाइन है जून तक दिया है, हम कोशिश करेंगे कितना जल्दी हो सकता है घर इसमें जल्दी फंक्शनलिटी कर रहे हैं। राजधानी देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस ने बड़ा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के तहत देहरादून के 21 बड़े स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि एक साथ होने वाली जाम की समस्या से राहत मिल सके। इस ट्रैफिक प्लान के तहत ये स्कूल 15 मिनट पहले खुलेंगे और छुट्टी आधे घंटे पहले होगी। वहीं SSP देहरादून अजय सिंह ने तमाम स्कूलों में जाकर ट्रैफिक प्लान का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शहर के सभी बड़े 21 स्कूलों में से 2 स्कूलों ने 22 जुलाई तक का समय मांगा है। इस दौरान उन्होंने सभी अभिभावकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की भी अपील की है। जो हमारे 21 स्कूल थे इसमें 19 स्कूल की टाइमिंग इसमें ऑलमोस्ट आज जो था वो मैंने चेक करवा लिया, हर जगह ड्यूटी थी वो चेंजेस हो गए हैं। 2 स्कूल थे जिन्होंने 22 तारीख तक का परमिशन लिए है इसमें, जो इसमें सेंट जोसेफ और जो सेंट जीसस एंड मेरी स्कूल है, तो उनको उस तरह से 22 तक परमिट किया है। बेसिकली जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग ना करना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, जैसे अभी देखा छोटे बच्चों की छुट्टियां हुई, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसमें 8 से 10 बच्चे छोटे जो अलाउड हैं वो चले जाते हैं, बशर्ते उसकी जगह 10 गाड़ी, चाहे वो 2-व्हीलर या कार हो। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को लेने के लिए भी इनोवा और बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है रोड एक ही है, पब्लिक का आना जाना भी नहीं रोड पर रहता है। साथ ही साथ और भी यहाँ कॉम्प्लेक्सेस बन गए, कितने मल्टी स्टोरी बन गए, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं स्कूल को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही, चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जारी कर देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड, मुख्यमंत्री ने कहा पर्यावरण को संरक्षित करने में मिलेगी बड़ी मदद। प्रमुख धामों मंदिरों के नामों का उपयोग करने पर कठोर विधिक प्राविधान के कैबिनेट के निर्णय का स्वागत, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। मुख्यमंत्री ने किया हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक का विमोचन, पुस्तक के जरिए छात्रों को राज्य आंदोलन और अमर शहीदों के बलिदान से किया जाएगा परिचित। और देहरादून में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दून पुलिस का बड़ा प्रयोग, 21 स्कूलों के समय में किया गया परिवर्तन, अभिभावकों से की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News Uttarakhand, हमारे यूट्यूब चैनल DD News Uttarakhand को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News Uttarakhand को भी फॉलो करें। नमस्कार।